सर दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मोहन की, तो मोहन इस समय थोड़ा टेंशन में चल रहा है क्योंकि राधा के खिलाफ लगातार मारने की प्लानिंग रच रही हैं दामिनी और दामिनी की माँ कावेरी। क्योंकि दामिनी की माँ कावेरी का बहुत अलग से ही ये प्लान है, क्योंकि शुरू से ही कावेरी को ये सब कुछ प्लान क्रिएट करना था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल कावेरी ने दामिनी को वचन दिया है कि वो राधा को हर हालत में आज के दिन ही ऊपर भेजने का प्लान बना रही है, क्योंकि ये प्लान उसका एक सॉलिड प्लान रहा है, सॉलिड रीजन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कहानी का अंत कितना ज़्यादा सॉलिड होता है, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय आखिरकार सभी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में है, और कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या है वो भी आप लोग जानते हैं। क्योंकि इस समय बात की जाए मोहन की, तो मोहन ने साफ साफ बोल दिया है राधा से कि राधा तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगर तुम्हारे साथ में कुछ गलत होता है तो मैं उस चीज़ को खुद देख लूँगा। और वाकई में दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी तरीक़ा से कुछ भी बुरा नहीं हो पाएगा, वो भी राधा के साथ में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि राधा के साथ में इस समय मोहन है, और मोहन के होते हुए कोई राधा का बाल विभागा नहीं कर सकता। ये भी एक रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि रियलिटी भी थोड़ी गनी नहीं है, बल्कि इस समय कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी के लिए आप लोगों को करना क्या होगा वो भी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आने वाली कहानी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज आखिर आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है गाइज। और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइज, सपोर्ट किया।